ये मध्य प्रदेश के सिंगोली के अंतर्राज्यीय गिरोह था जो बिजोलिया में एटीएम लूट के इरादे से आया था। मुखबिर खास की सूचना पर टीम वहां पहुंची तो ये बिलोना बाड़ी के पास में सुनसान टापरियों में बैठ के योजना बनाते हुए पाए गए। जब इनको वहां से राउंड अप करके कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि बस स्टैंड बिजोलिया के पास जो एसबीआई का एटीएम है उसको लूट कर ले जाने का हमारा इरादा था। जब इनकी गाड़ी की चेकिंग ली गई तो चेकिंग के दरमियान एटीएम लूट के सभी उपकरण इनसे बरामद किए गए, जिसमें से मुख्य अभियुक्त यशवंत शर्मा ने स्वीकार किया कि वह ये उपकरण इंदौर से लेके आया है और यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के वो इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके अलावा एक अभियुक्त सद्दाम के पास से देसी कट्टा में जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी गहनता से पूछताछ की जा रही है कि इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, अन्य वारदातें भी क्या इन्होंने की है, तो इसकी पूछताछ की जा रही है, अनुसंधान जारी है।